हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। बेटा, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज से, जिसका रिवीजन करने वाले हैं, वो चैप्टर आपका वही पुराना है जिसके पीडीएफ और आपको ऑडियो मिल चुके हैं। ठीक है, आज से हम बात करेंगे उसी चैप्टर के वीडियो की बात करें। जो चैप्टर है आपका मापन और विभी विश्लेषण चैप्टर है। हमने अपने ऑडियो में बेटा आपको बताया था कि ये आपका 11th का पढ़ा हुआ है एक टॉपिक जो है। 11th में जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है, ये आपका 9th का पढ़ा हुआ है। यानी 11th में जो आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, ये कहाँ से पढ़ा हुआ है? 9th का। उसमें आपने कुछ चीजें इसकी शुरुआत की पढ़ रखी हैं और बाकी चीजें मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले बात आती है भौतिक राशि। ठीक है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। फिजिक्स मतलब जितनी ऐसी चीजें फिजिक्स में, मतलब भौतिक का मतलब ये होता है ऐसी सारी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिनको आप महसूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं, है ना। तो बात ये है कि ये राशियां जो है ये क्या होती हैं, कैसे हम बात करेंगे कि ये फिजिकल है या इस पे हमें कुछ ऐसी चीजें मिल रही हैं कि जिसे हम आप मेजर कर सकते हैं। तो बेटा, भौतिक राशियां केवल वे ही राशियां होती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, जिनका कुछ ना कुछ आंकिक मान होता है और किसी प्रत्यक्ष आप प्रत्यक्ष रूप से आप इसकी माप कर सकते हैं, वो सभी राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। बात समझ में आ गई। यानी भौतिक राशियां वे होती हैं जिनका कुछ ना कुछ आंकिक मान होता है और जिन्हें आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। एक एग्जांपल छोटा सा कि आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी है ना, तो आपके घर से आपके स्कूल तक की बात आ गई दूरी। तो दूरी क्या है, एक भौतिक राशि है ना। दूरी क्या है, भौतिक राशि है। तो आप बताएंगे 2 किलोमीटर। क्या है, 2 किलोमीटर। तो भौतिक राशि हो गई दूरी। और इसका निरूपण हमने किया 2 चीजों से। पहला किया आंकिक मान, जिसे हमने बोला 2, और दूसरा हमने बोला इसकी राशि क्या है, सॉरी इसका मात्रक क्या है, किलोमीटर। बात समझ में आ गई। तो भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि वे होती है जिनका एक आंकिक मान होता है और जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी मात्रक या मात्रक की जरूरत पड़ती है। तो भौतिक राशियों का निरूपण जो होता है वो 2 चीजों से किया जाता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं आंकिक मान। क्या होता है, आंकिक मान। ठीक है, और दूसरा होता है उसका मात्रक। दूसरा क्या होता है, मात्रक। तो आंकिक मान वे होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो राशि हमने कितनी बार उपयोग कर ली। आंकिक मान वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि वो भौतिक राशि आपने कितनी बार उपयोग कर ली। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आपके घर से आपके स्कूल तक की दूरी कितनी है, 2 किलोमीटर। कितनी है, 2 किलोमीटर। तो आपने किलोमीटर का उपयोग कितनी बार किया, 2 बार किया। कितनी बार किया, 2 बार किया। तो आंकिक मान आपका कितना हो गया, 2। आंकिक मान आपका कितना हो गया, 2। ठीक है, आंकिक मान कितना हो गया, 2। और मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर। मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर। तो याद रहेगा आंकिक मान कितना हो गया, 2, और मात्रक क्या हो गया, किलोमीटर। किस भौतिक राशि की बात हो रही है, दूरी की। किस भौतिक राशि की बात हो रही है, दूरी की। बात समझना, जो आपके पास भौतिक राशि है वो क्या है, दूरी है। इसका आंकिक मान कितना है, 2, और इसका मात्रक क्या है, किलोमीटर। तीनों बातें आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझ लो। ये आपकी वही फिजिकल बातें हैं जो आपने अभी फिजिक्स के बारे में कहां पढ़ी है, कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं, क्लास 9th की क्लास में आपने इन्हें पढ़ा है, बिल्कुल वहीं से रिलेटेड है। बात समझ में आ गया। अब बात ये आती है भौतिक राशियों के प्रकार। तो ये बात समझ में आ गई, भौतिक राशियों का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो भौतिक राशियों का निरूपण करने के लिए हमें पता चला 2 चीजों का आवश्यकता होती, पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक। ठीक है, आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान वह होता है जिसमें हमें यह पता चलता है कि वो राशि कितनी बार उपयोग की गई है, और मात्रक ये बताता है कि वो कौन सी राशि है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात ये करते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, भौतिक राशियां आपकी कितने प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियों के बेटा प्रकार पढ़ने हैं बहुत सिंपल से तरीके से, ये भी आपने 9th में पढ़ा रखा था। पहली जो राशि होती है उसे हम लोग कहते हैं मूल राशि। क्या कहते हैं, मूल राशि। और दूसरी जो राशि होती है इसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, यानी मूल राशि क्या होती है और व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इनकी बात हम आज चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं मूल राशि क्या होती है। तो देखो बेटा, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, किसी से मिलकर नहीं बनी हैं, स्वयं एक राशि है, उन्हें हम लोग कहेंगे मूल राशि।
ठीक है, यानी वे भौतिक राशियां जो स्वतंत्र हैं, किसी से मिलकर नहीं बनी है, स्वयं एक राशि है, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल राशि। उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल राशि। अब आओ भाई बात करते हैं मूल राशि कौन कौन सी है। सात मूल राशियां हैं हमारे पास। पहली जो हम ले रहे हैं, जो हमने बताई भी, दूरी ले लेंगे, दूसरी ले लेंगे समय, फिर ले लेंगे द्रव्यमान, ठीक है, फिर ले लेंगे हम लोग वैद्युत धारा, फिर ले लेंगे हम लोग ताप, फिर ले लेंगे हम लोग ज्योति तीव्रता, और फिर हम ले लेंगे पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी राशियां हो गई? सात। तो याद रहे ये सात हमारे पास क्या है? मूल राशियां हैं। ये मूल राशियां किसी से मिलकर नहीं बनी है, ये स्वतंत्र हैं। ये क्या है? स्वतंत्र है। तो ये क्या हो गई आपकी? मूल राशियां। अब मूल राशियां जो होंगी, इन्हें प्रदर्शित करने के लिए भी तो मात्रक की जरूरत पड़ेगी। तो इन मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें क्या कहेंगे? मूल मात्रक। उन्हें क्या कहेंगे? मूल मात्रक। यानी उन भौतिक राशियों के मात्रक जो कि मूल है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? या मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। और भाई देखिए, दूरी का मात्रक बचपन से पढ़ा रहे हैं क्या होगा? मीटर, है ना। समय का मात्रक क्या होगा? सेकंड, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, है ना, कर लेंगे ना, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा यानी आणविक मात्रा का मात्रक क्या होगा? मोल, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? इस बात को समझेंगे जो कि हमारे लिए किसका काम कर रही है? अभी मूल राशियां की। मूल राशियां कितनी होती हैं? सात होती हैं। इनकी परिभाषाएं भी आपने नाइन्थ की क्लास में पढ़ी थी, अलग अलग। एक मीटर क्या होता है, एक सेकंड क्या होता है, एक किलोग्राम क्या होता है, एक एम्पियर क्या होता है, और ताप क्या होता है, कैसे हम लोग इसको मापते हैं, कैसे हमने इनके मापन के बारे में सीखा था, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मूल राशियां सात हैं। और ये क्या कौन सी राशियां होती हैं? वे भौतिक राशियां जो स्वयं होती हैं, यानी किसी से मिलकर नहीं बनती, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशियां। अगली बात कर रहे हैं व्युत्पन्न राशियों की। किसकी बात कर रहे हैं? व्युत्पन्न राशियों की। फंडामेंटल जो आपके पास राशियां हैं वो कौन सी हैं? जरा ध्यान से देखो। व्युत्पन्न राशियां बेटा वे भौतिक राशियां होती हैं जो इन मूल राशियों से मिलकर बनी होंगी, ठीक है। यानी व्युत्पन्न राशियां ऐसी राशियां होंगी जो इन मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, वो होंगी आपकी व्युत्पन्न राशियां। अब भाई बात क्यों हो गई, कैसे? देखो, आपने एक दूरी चली तो वो तो आपकी मूल राशि है, लेकिन उस दूरी का अगर आपने दो बार कहीं उपयोग कर लिया, मतलब जैसे क्षेत्रफल निकाला आपने, जिस कमरे में बैठे उस कमरे का आपने क्या निकाला? क्षेत्रफल। तो भाई जिस कमरे में है उस कमरे में दो प्रकार की दूरियां हैं, पहली है लंबाई और दूसरी है चौड़ाई। तो आपने जो देखा यहाँ पर, ये जो राशि है ये दो राशियों से मिलकर बन गई, पहली लंबाई और दूसरी चौड़ाई, है ना। और ये लंबाई और चौड़ाई मिलाकर एक नई राशि बन रही है जिसमें क्या उपयोग हो रही है? मूल राशियां। तो हम ये बोल सकते हैं ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, मिलाकर आपने क्या बना दिया? क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल आपका जो बन रहा है ये क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। जबकि दूरी का मात्रक क्या था? मीटर, है ना। यानी मूल राशि का मात्रक क्या है? मीटर। और उसके बाद बात करें व्युत्पन्न राशि का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। व्युत्पन्न राशि कौन सी है? तो बेटा हम बोलेंगे क्षेत्रफल है, है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो गई? अब आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई, और इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मान लो यही आपका अब कमरा जो है उसमें अब आपने एक हाइट ले ली, हाइट कुछ इस प्रकार से, ये देखो मिल गई, ठीक है। और आपने इसका क्या निकाला? अब आयतन। तो अब आयतन निकालेंगे तो इसमें क्या जुड़ गया है भाई? H। क्या जुड़ गया है? H। तो अब आयतन निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे? आयतन के लिए लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, और ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। यानी ये जो हमारे पास व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि कौन सी है? आयतन। किससे मिलकर बनी है? दूरियों से। किससे मिलकर बनी है? दूरियों से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। यानी व्युत्पन्न राशि आप समझ में आ रही है ना बेटा? चलो एक और बताते हैं, अगली बात करते हैं हम लोग। जैसे आपको एक राशि दी जा रही है जो है चाल। क्या है?
चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। यानी इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड किसका मात्रक हुआ बेटा? चाल का। तो व्युत्पन्न राशि कौन सी हो गई आपकी? चाल। और इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रकार से आप बात करेंगे और भी अन्य व्युत्पन्न राशियों की, जिनके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शन, और हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ऑक्सीकारक अपचायक। लेकिन लास्ट क्लास में आपने अभी तक जो ज्वाइन किया हुआ लेक्चर, उसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया हुआ है, और एग्जैक्टली जो लास्ट वाला लेक्चर था वीडियो लेक्चर, उसमें आपने कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया हुआ था, जैसे Cr5 था, H2SO7 था, लाइक इस टाइप के जो कंपाउंड्स थे आपके सामने, तो उनका आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया हुआ था। तो आज थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ, कुछ कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करिएगा, और फिर इसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये कुछ कंपाउंड्स लिख रहे हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है। अभी अंडरलाइन कर देते हैं हम। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं कि जो अंडरलाइन वाले कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड करें। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि कुछ बच्चों ने डायरेक्ट फाइंड भी कर लिया होगा मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते, और प्रैक्टिस भी आपको इतनी कर लेनी चाहिए जैसे आप क्वेश्चन देखो और क्विकली आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता चल जाए। जैसे पहला कंपाउंड है सुक्रोज C12H22O11 में आपको फाइंड करना है इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले उसे लिखना कैसे है, चलिए लिख लेते हैं। हालांकि अभी तक आप सीख चुके हैं कितने कार्बन है, 12 C+22 हाइड्रोजन 11 ऑक्सीजन, इक्वल में क्या लेना है, जीरो। क्यों? कोई चार्ज तो है नहीं, तो इक्वल में ले रहे हैं जीरो। और कार्बन का आपको फाइंड करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप इसे एक्स मान लीजिएगा। हाइड्रोजन की होती है कितनी ऑक्सीकरण संख्या बेटा, +1। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इक्वल जीरो। ओके, आप कैलकुलेट करेंगे सो वैल्यू कितनी आने वाली है, दिस इज 12x+22 और -22 इक्वल जीरो, प्लस माइनस कैंसिल आउट, और एक्स की वैल्यू क्या हो जानी है, जीरो। ओके ना, ऐसे ही आप जब ग्लूकोज में फाइंड करेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या आएगा बेटा, आप देखिए एग्जैक्टली देख के पता चल जाना है आपको। कार्बन तो एक्स मान लेंगे आप, 6x हो जाएगा, और ऐसे ही हाइड्रोजन का +1 होता है तो वैल्यू हो जाएगी +12। ऑक्सीजन का -2 होता है तो वो वैल्यू हो जाएगी -12। +12 -12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी आंसर आ जाएगा आपका जीरो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ रही +2, मुझे पता है आपको भी पता चलेगी कैसे। देखो NSA कितना होता है, जीरो, टेबल बताया गया। प्रैक्टिस करनी है केवल आपको, टेबल मैंने आपको पहले से बना के दिया होता है। SO4 का डायरेक्ट चार्ज कितना बताया हुआ है, -2। एग्जैक्टली वैल्यू क्या आ जाएगी, NS3 होता है 0 और SO4 का होता है -2, तो NS3 तो 0 हो गया, -2 आएगा ना, x -2 इक्वल 0। अब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, +2। एग्जैक्टली देखते हैं कैसे, Cu+4NH3 है, एक SO4 है, और इक्वल में क्या लेना बेटा आपको, 0। चलिए तो वैल्यू पुट अप करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। NSC की वैल्यू 0 मल्टीप्लाइड बाय 4, SO4 की वैल्यू -2, इक्वल में ले रहे हैं क्या, 0। आंसर आ जाएगा क्या, x -2 इक्वल टू 0, दैट इज +2। टू मच कंपलसरी, बिल्कुल कंपलसरी है कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में हम लोग साइन लगाते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है NiCO4, ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। देखते हैं आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। तो ऑक्सीकारक अपचायक, क्वेश्चन आपसे आता है, एक रिएक्शन दी जाती है कोई, तो उसमें कहते हैं कि ये जो निम्नलिखित अभिक्रिया है इसमें कौन ऑक्सीकारक होगा कौन अपचायक होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीजों को जानते हैं समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, हिंदी से जैसे आप देखोगे कि कारक, कारक का मतलब होता है करने वाला, तो ऑक्सीकारक है ना बेटा, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, कारक मतलब करने वाला, ऑक्सीकारक, और वर्ड कहां से आया, ऑक्सी
कारक, कारक का मतलब करने वाला, और ऑक्सी मतलब ऑक्सीकरण से आया है। तो आपकी डेफिनेशन जो होगी वो ऐसी होगी, किसी अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकरण करने वाला, तो किसका करेगा, दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण करने वाला। परिभाषा क्या बन रही है, परिभाषा आपकी बनेगी, डेफिनेशन हो जाएगी कि ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है उसे कहे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। खुद का अपचयन हो जाएगा, दूसरे का ऑक्सीकरण होगा। ओके, ऐसे ही अपचायक के लिए आप क्या कहोगे, अपचायक मतलब अपचयन करने वाला। तो आप बताएंगे कि किसी अभिक्रिया में उपस्थित वह पदार्थ जो दूसरे का अपचयन करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। ठीक है ना, तो वर्ड आपको समझना है, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण करने वाला, अपचायक मतलब अपचयन करने वाला, और साथ में खुद का क्या होगा, जस्ट अपोजिट। इट मीन अगर वो ऑक्सीकरण कर रहा है दूसरे का तो खुद क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, उसका अपचयन होगा। दूसरे का ऑक्सीकरण कर रहा है, खुद का अपचयन होगा। वैसे अपचायक में आप क्या बताओगे कि वो दूसरे का तो अपचयन करेगा लेकिन खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ओके, तो बढ़ते हैं इस पॉइंट के साथ आगे। और जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस इज SnCl2 प्लस HCl3 गिव्स दैट SnCl4 एंड FeCl। दिस इज द रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन। रिएक्शन में आपसे बोलेंगे कि आप इस अभिक्रिया में बताइए कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। अब हालांकि आप ये चीजें पहले भी पढ़ चुके हो, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी गई थी, एक्सरसाइजेस आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की हुई हैं सारी चीजें, और आज वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है, चीजें यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक मिलेगी, कुछ चीजें अच्छी होंगी, और लेकिन बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो पीडीएफ फाइल दिया गया है आप उसी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यहाँ पर कराने वाले नहीं है। ओके, प्रैक्टिस आप उसी से करें और क्वेश्चन अपने पूछते रहिएगा जो भी डाउट्स हो व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया कि आप भाई इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीकारक और अपचायक आइडेंटिफाई करना है, अभी आप कैसे करोगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, एक छोटा सा पॉइंट है आपके पास काम की बात। देखिए ऑक्सीकारक और अपचायक यही आइडेंटिफाई करना है ना, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये वर्ड ऐसा ही राइमिंग वर्ड है, किससे बना हुआ है, ये ऑक्सीकरण से बना है, और अपचायक किससे बना हुआ है, अपचयन से बना हुआ है। ओके ना, चलिए तो वर्ड तो आपने सामने सामने लिख लिया, पर करना क्या है, जस्ट ऑपोजिट आप इनका क्रॉस एरो लगा दीजिएगा, देन उसके बाद में अब आपको समझना है ऑक्सीकारक क्या होंगे, जिनका अपचयन हो रहा होगा, अपचायक क्या होंगे, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा होगा। ये रिएक्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपका आया कि इस अभिक्रिया में आप पहचानिए कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। पर इससे पहले तक आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत आसानी से सीख लिया है, और एक बात आपको पता है कि ऑक्सीकरण में क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या घटती है। इस पॉइंट के बिहाफ पर आपको फाइंड करना है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। पॉइंट समझ लेते हैं, ऑक्सीकरण में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। और पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आप ऑक्सीकारक बताइए और अपचायक बताइए, तो आपने करना क्या है, टू मच इजी, आपको पता है ना कि जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। और इसके लिए आप कैसे पहचानेंगे ऑक्सीकरण अपचयन, वो आपके सामने लिख करके मैंने दिया पॉइंट, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्विकली। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करिए फटाफट से साथ में हमारे, ऐसे ही आप क्वेश्चन देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया करिए, मेन एलिमेंट्स उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कॉमन एलिमेंट्स को नहीं फाइंड किया हुआ है, प्रोटीन को हटा दिया वहां से। ओके, तो जिनका वेरिएबल था उनका फाइंड किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। चलिए SN से SN की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर खास। SN से SN में आ रहे हैं और इधर Fe से Fe की तरफ देखिएगा। ओके लेट्स स्टार्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +2, कितना हो गया +4, +2 से +4, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना, तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना यहाँ पे, और ऐसे यहां पर आप देखिए
प्लस थ्री से कितना हो रहा है प्लस टू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। अब आपको केवल यहाँ पर देखना है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है वो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है लेकिन हुआ क्या अपचायक, और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है मतलब वो क्या होगा ऑक्सीकारक। फिर से देखें एक बार, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा अपचायक, ऑक्सीकरण संख्या घट रही है तो क्या होगा ऑक्सीकारक। पॉइंट इज क्लियर ना। चलिए देखते हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, SnCl2 ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है ना, बढ़ रही है तो ये क्या होगा अपचायक, लिख दीजिए यहां पर SnCl2। ओके ऐसे ही आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, सॉरी है ना, तो जब घट रही है ऑक्सीडेशन नंबर तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक, टू मच इजी, तो आप FeCl3 यहां पर लिख रहे हैं और FeCl3 हो जाएगा हमारा यहां पर ऑक्सीकारक। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मायसेल्फ हिमांशु गुप्ता फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। तो आज बच्चों मैं आपको एक नया चैप्टर समुच्चय के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं क्या होता है समुच्चय। बात आती है समुच्चय की परिभाषा, समुच्चय की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। जो समुच्चय का वास्तविक अर्थ है वो लिया गया है संग्रह से, मतलब हमें चीजों का क्या करना है, संग्रह करना, संग्रह का मतलब कलेक्शन। तो इसकी जो परिभाषा बनती है कि वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी हमको क्या करना है, वस्तुओं का संग्रह करना है या व्यक्तियों का संग्रह करना है, लेकिन ये जो वस्तुओं या व्यक्तियों का संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए। ये शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरिभाषित का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। सुपरिभाषित का अर्थ है कि जैसे हम किसी चीज का संग्रह इकट्ठा कर रहे हैं तो उस चीज में मतलब उस चीज में स्थित प्रत्येक वस्तु सुपरिभाषित होनी चाहिए बिना किसी संदेह से, विदाउट एनी डाउट। मतलब हमें जिन चीजों का या जिन व्यक्तियों का संग्रह करना है उस संग्रह में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु को सुपरिभाषित होना चाहिए बिना किसी संदेह के। तो जो परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं कि वो जो वस्तुओं या व्यक्तियों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब इसके बारे में आप कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु या कोई व्यक्तियों का जो संग्रह है वो सेट यानी समुच्चय होगा कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जब आप एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने एक कथन लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय, स्वर अक्षरों का समूह, स्वर अक्षरों का समूह। और ये जो समुच्चय शब्द है इसका यूज मैथमेटिक्स में ही नहीं, दैनिक जीवन में भी किसी भी स्टेटमेंट को लेके किया जा सकता है। बस आपको ध्यान देना है कि वो जो कथन है उससे संबंधित प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक व्यक्ति क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए बिना किसी संदेह के। या तो वो व्यक्ति या वस्तु, संग्रह का प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु किसी विशेष नियम द्वारा परिभाषित हो, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। अब ये कथन है, अब इसमें मैथमेटिक्स का तो कोई यूज है नहीं। जनरल मैंने एक ले लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर तो 26 होते हैं, उन 26 अक्षरों में जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह। तो मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह
दैट इज ए ई आई ओ यू. इसमें कोई डाउट नहीं है. अगर कोई आपसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं तो आपका आंसर होगा सभी का कि ए ई आई ओ यू यानी पांच स्वर होते हैं. यानी ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट में हमने क्या लिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह. और अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी स्वर अक्षर हैं उनमें से प्रत्येक एंट्री इस डेफिनेशन को क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है. क्योंकि ए भी स्वर अक्षर है, ई भी स्वर अक्षर है, आई भी स्वर अक्षर है, ओ भी स्वर अक्षर है, यू भी स्वर अक्षर है. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट यानी ये जो कथन लिया है वो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समूह. यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो सेट को निरूपित यानी समुच्चय को निरूपित कर रहा है. आइए एक और उदाहरण लेते हैं. जैसे मैंने एक आगे बढ़ा तो अगला जैसे स्टेटमेंट लिया इंद्रधनुष में इंद्रधनुष के सभी रंगों का समूह. अब की बार मैंने एक कथन ले लिया कि आप मुझे वो सभी रंग एक समूह में रखने जो इंद्रधनुष में पड़ते हैं. तो इंद्रधनुष में पड़ने वाले रंग आपको पता है निश्चित होते हैं. आप जानते हैं इसको किस अक्षर से जानते हैं वायव्योर. यानी इंद्रधनुष में सात अक्षर होते हैं. वायव्योर का मतलब वी का मतलब वायलेट. और इसी प्रकार ये जो सातों जो रंग है वो इंद्रधनुष के रंगों का समूह है. यानी हम कह सकते हैं कि इंद्रधनुष में जितने भी रंग है वो निश्चित है यानी सुपरिभाषित है. यानी ये जो कथन है इंद्रधनुष के सभी रंगों का समुच्चय है ये भी क्या है ये भी एक सेट को निरूपित करता है. जैसे अब मैं एक और कथन देता हूं भारत के सभी राज्यों का समुच्चय. भारत के सभी राज्यों का समूह. अब आप इस कथन को देख के जान सकते हैं कि ये जो कथन है वो समुच्चय को प्रदर्शित करता है कि नहीं. तो सभी को पता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो बिल्कुल गिनती के इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि भारत के सभी राज्य सुपरिभाषित नहीं है. जो भी राज्य हैं 28 या 29 लेकिन हैं तो इनको हम काउंट कर सकते हैं. इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि भारत के सभी राज्यों का जो समूह है वो सुपरिभाषित है. उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ऐसे करके आप सारे राज्यों को डिफाइन कर सकते हैं. यानी ये जो स्टेटमेंट है भारत के सभी राज्यों का समूह वो जो है वो भी किसको निरूपित करता है समुच्चय को निरूपित करता है. में एक और अगर मैं कथन लू जैसे मैंने कह दिया गणित की सभी अच्छी किताबों का समुच्चय. गणित की सभी अच्छी किताबों का समूह. मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मुझे गणित की सभी अच्छी किताबें लेनी उनका एक ग्रुप बनाना है. तो ये जो स्टेटमेंट है क्या ये सेट को प्रदर्शित करता है ये हमें चेक करना है. हमें ये चेक करना है कि ये जो कथन है वो क्या सेट यानी समुच्चय के गुण को प्रदर्शित कर रहा है. तो आप इसमें ध्यान दीजिए इसमें मैंने जो कथन लिखा है वो गणित की सभी अच्छी किताबों का समुच्चय. और जबकि परिभाषा के अनुसार मैंने बताया है जो वस्तुओं या व्यक्तियों का समुच्चय होता है वो सुपरिभाषित होना चाहिए. तो यहाँ पर डाउट है. अगर आप किसी लड़के से पूछेंगे या उससे पूछेंगे कि गणित की सभी अच्छी किताबों का समुच्चय मतलब आपके अनुसार गणित की अच्छी किताबें कौन कौन सी हो सकती तो मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ. ये तो मेरी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है ना कि मुझे गणित की कौन सी किताब अच्छी लगती है. मान लो मैंने लिख दिया कि मुझे आरडी शर्मा अच्छी लगती है गणित की बुक, मुझे एमएन अग्रवाल अच्छी लगती है गणित की बुक, मुझे हरस्वरूप शर्मा अच्छी लगती है गणित की बुक, मुझे एनसीईआरटी अच्छी लगती है गणित की बुक. तो ये तो मेरी राय है ना कि मुझे गणित की कौन सी बुक अच्छी लगती है. लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो मेरी राय हो वही दूसरे की राय हो. मान लो किसी को आरडी शर्मा की गणित की बुक अच्छी नहीं लगती है, मान लो उसे एमएल अग्रवाल की बुक अच्छी लगती है. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिया है ये हमको डाउट क्रिएट कर रहा है. यानी यहाँ पे संदेह की स्थिति बन रही है. क्योंकि गणित की सबसे अच्छी सभी अच्छी किताबों का समूह का मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों के अनुसार मत अलग अलग हो सकते हैं. किसी को किसी लेखक की गणित की बुक अच्छी लगती है, किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे राइटर के गणित की बुक अच्छी लगती है. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिया गणित की सभी अच्छी किताबों का समुच्चय है ये बच्चों सुपरिभाषित नहीं है. तो इसे हम बोलेंगे ये जो गणित की सभी अच्छी किताबों का समुच्चय है ये क्या है ये सुपरिभाषित नहीं होता. यह जो कथन है वो समुच्चय को निरूपित
नहीं करता है। जैसे मैं एक और कथन लूं, कक्षा 11 के सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों का समूह। मान लीजिए मैंने एक और कथन ले लिया, अब की बार मैंने कहा कि इस कथन के अनुसार मुझे वो सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स लेने हैं जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बोला गया प्रतिभावान विद्यार्थी, तो प्रतिभावान का मतलब प्रतिभा तो कई तरीके की है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कोई बच्चा आउटर एक्टिविटी में अच्छा है, कोई बच्चा गेम्स में अच्छा है, कोई बच्चा गाने में अच्छा है। तो आप इसमें जो शब्द यूज हुआ है प्रतिभावान, तो प्रतिभावान का मतलब ये नहीं है कि किस फील्ड में इसकी प्रतिभा देखी जा रही, पढ़ाई में कि गाने में कि डांस में कि सिंगिंग में, ये सब चीजें जो है वो क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ पे जो प्रतिभावान शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो कक्षा 11 के सभी प्रतिभावान विद्यार्थियों का समूह है वो सुपरिभाषित नहीं है, वो सुपरिभाषित नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों का समूह, अब इस कथन को ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। कक्षा 11 के किसी स्कूल में, स्कूल शब्द और जोड़ देते हैं, किसी कॉलेज की बात हो रही है, यहाँ पर भी किसी स्कूल में अगर मैं लिख दूं, तो अब की बार जो मैं कथन ले रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ। किसी स्कूल में कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय जिन्होंने कक्षा 10 में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आपको समझा देगा कि ये जो कथन मैंने लिया है ये समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए मैंने जो कथन लिया वो क्या लिया, अब की बार जो मैंने कथन लिया है किसी स्कूल में कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, मतलब मुझे कक्षा 11 के उन सभी विद्यार्थियों का समूह लेना है जिन्होंने कक्षा 10 में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो ये जो मैंने लिखी है लाइन, जिन्होंने कक्षा 10 में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो इस कथन के बारे में अगर हम सोचें कि मान लीजिए किसी स्कूल में कक्षा 11 के 500 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन 500 स्टूडेंट्स हैं वो 10th पास करके आए हैं, उनकी मार्कशीट हमारे पास है, तो हम ये आसानी से जान सकते हैं कि उन 500 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। यानी अब की बार मैंने इस स्टेटमेंट में ऐसी कंडीशन लगाई कि मुझे उन सभी विद्यार्थियों को चुनना है जिन्होंने कक्षा 10 में 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने कक्षा 10 में 75% अंक प्राप्त किए तो वो तो हमारे इस कथन में आएगा नहीं, क्योंकि मुझे 80% से ज्यादा वाले बच्चों को लेना। तो मान लीजिए किसी स्कूल में फर्स्ट ईयर के 500 बच्चे हैं, उसमें से 100 बच्चों के 80% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो हम इस सेट में उन्हीं 100 बच्चों को रखेंगे, अर्पित और राम कुछ भी ले सकते हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा अंक प्राप्त किए। तो ये जो कथन है वो समुच्चय को क्या करता है, परिभाषित करता है। अब बात जो आती है कि जो समुच्चय होता है इनको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को प्राय का मतलब अधिकतर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो समुच्चय का जो सिंबल होगा वो क्या होगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एफ, ये जो समुच्चय होता है इनके जो सिंबल है उनको हम बड़े अक्षरों प्रदर्शित करते हैं, और जो समुच्चय के अवयव होते हैं उन्हें हम कैसे छोटे अक्षरों प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। अवयव का मतलब क्या होता है, किसी भी संग्रह में स्थित वस्तु या व्यक्तियों, जो अलग अलग वस्तु या व्यक्ति होती हैं वही उस समुच्चय के क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया था अभी थोड़ी देर पहले, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर अक्षर होते हैं, ये क्या है, सुपरिभाषित आंकड़ा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर अक्षर कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यानी मुझे ऐसे अक्षर लेने जो स्वर हो,
अंग्रेजी वर्णमाला में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं स्वर, ए ई आई ओ यू। तो बेटा ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इन्हें हम बोलते हैं कि ये सैक के क्या है, समुच्चय के क्या है, अवयव है, समुच्चय के अवयव इंग्लिश में बोले तो एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये जो बच्चों होते हैं मतलब मतलब कि समूह में उपस्थित जो जो प्रत्येक एंट्री होती, प्रत्येक प्रविष्टि होती, वो समुच्चय क्या कहलाते हैं अवयव। अगर इसी को मैं नाम दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों के समूह को मैं कैपिटल ए से प्रदर्शित कर रहा हूं, तो ऐसे लिखेंगे कैपिटल ए बराबर, और यहां पर मझला ब्रैकेट का साइन आएगा, मझला ब्रैकेट, मझले ब्रैकेट के अंदर उस समूह के सारे अवयव, क्या ए कॉमा लगा के ई, कॉमा लगा के आई, कॉमा लगा के ओ, कॉमा लगा के यू। कितनी रिकॉर्ड है तो बच्चों आई थिंक आपको समुच्चय के कॉन्सेप्ट या समुच्चय की परिभाषा जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो आपने अच्छे से समझ ली है। एक बार और जल्दी से हाईलाइट कर दूं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय जो होता है वो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का सुपरिभाषित जो संग्रह है उसे क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। यहाँ पे सुपरिभाषित का अर्थ बहुत विशेष है। सुपरिभाषित का मतलब है कि हम जिन व्यक्तियों या जिन वस्तुओं का समूह ले रहे हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वस्तु बिना किसी संदेह के क्या होनी चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ ये जो व्यक्ति है या ये जो वस्तु है वो इस समूह में आएगा ही बिना किसी डाउट के। तो उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको समुच्चय का कॉन्सेप्ट बताया है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग टू वन यू ऑल। स्टूडेंट्स, यू हैव सीन दैट इन दीज डेज वी वर स्टडिंग द टॉपिक इन इंग्लिश लिटरेचर एंड द टॉपिक इज माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन एंड द पर्टिकुलर चैप्टर इज रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। इट्स रिटन बाय ब्रूकर टी वॉशिंगटन। So student, last 3 days we are studying this chapter, and in this chapter we have seen that Brooker T. Washington really suffered a lot for his education. He really worked hard, he had a ambition, he has a great desire for admitting to that school. And this is also a live example for you that how can you get your education. And in education, we always have a struggling life. So today, we proceed this chapter. So student, on your book, page number 7. So we will start the new paragraph. And the first line of the paragraph is, the first sight of the large 3-story brick school building seem to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. So student, here it is described by the writer that as soon as he saw the building, that was the 3-story building, and the building really awarded him a lot, because he had suffered a lot during his journey. He really worked hard during his journey. He really gone through a miserable condition, a pitiable condition. So as soon as he saw that building, he really felt very happy. He felt that he got his destination. So the sight of it seemed to me a new life. What is the meaning of the sight here? Sight means a scene. The venue, the place where the building was situated. So as soon as he saw that building, so he felt that I had forgot all the suffering, all the problems, all the difficulties that I had undergone through my journey. So it means to say, now the writer was very happy to find his destination. Next para. As soon as possible after reaching the ground of Hampton Institute, as soon as possible. So it was into my mind
दैट आई कुड रीच देयर एज सून एज पॉसिबल. आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ कॉलेज. हेड टीचर मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल. सो without wasting even a single of minute, I presented myself before the head teacher. Having been so long without proper food, a bath and changing of cloth, I did not of course make a favorable impression upon her. Favorable means inspiring, attractive impression. Because you know, student, that I have not taken a proper food, I have not taken bath since a long time. So I was looking very bad, I was looking very dirty at that time. So my impression was not good upon the head teacher. That was the main reason. And I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. तो एज यू नो स्टूडेंट, इफ यू डोंट लुक नाइस, इफ यू डोंट अपियर इन अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, सो नो वन कैन गेस दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट. इन द सेम वे इट वॉज द कंडीशन ऑफ द राइटर. फॉर सम टाइम शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी, नीदर शी डिड डिसाइड इन माई फेवर. सो आई वॉज वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, शी डिड नॉट रिफ्यूज मी. And she did not give any answer in my favor. And I continued to linger about her. I waited there for a long time. And to impress her in all the ways I could with my worthiness. Worthiness means ability, the capability, the caliber that you have. So I was trying to make my favorable impression upon the head teacher during that time. In the meantime, I saw her admitting other students, and that added greatly to my discomfort. So this is the main reason that during that time, the principal, the head teacher, getting admitted to another student. But she was not replying anything to me. Neither positively nor negatively. So I had a great desire for admitting to that college. So I was feeling uneasy at that time. For I felt deep down in my heart, I was getting something discouraged. Not for admitting to that school, but because other students were getting the admission. That I could do as well as they, if they could only get a chance to show what was in me. So, the line is written over here, for I felt deep down in my heart that I could do as well as they, if I could only get a chance to show what was in me. So, the writer was saying that, I have lots of capability, I have lots of caliber in me. But the only thing is that if you give me only one chance to show my caliber, to show my ability. Next para, after some hours had been passed, the principal teacher said to me, she told me, the adjoining recitation room needs sweeping. Adjoining, there is a music room. That is the joint to that room, and in that room there needs dusting. The room was very dirty. Take the room and sweep it. The particular sentence, take the room and sweep it. So which type of the sentence is it, student? Can you tell me which type of the sentence is it? It's a imperative sentence. Because in imperative sentence we order to someone. So there was an order for that student. It occurred to me at once that there was my chance. It occurred to me, it happened to me, it fell to me that was the golden opportunity for me. Because you know well that opportunity knocks the door but once. It will not knock again and again in your life.
सो यू हैव टू नो, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. सो दैट वॉज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी. नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट. राइटर इज एक्सप्रेसिंग हियर, I had never accepted any type of the order, any type of the assignment with more delight. That was the best order for me. That was the best thing for me. Next para, I swept the recitation room 3 times. So I did sweeping there 3 times. Then I got a dusting cloth and I dusted it 4 times. I dusted all the walls, I dusted all the furniture, I dusted all the tables, all the things which were keeping there, all the things which were presented there, I dusted there 4 times. Every bench, table and desk, I went over 4 times with my dusting cloths. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. So I cleaned all things properly. It means to say, student, he did his best. He gave his best effort. I had the feeling that in a large measure, my future depended on the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. In a large measure means in a large extent. Because that was the only chance for me in which I got the admission in that college. Next para, when I was through, it means to say when I completed my work, when I finished my work, I reported to the head teacher. I went to that room and I reported to her that I had completed my work. She was a young woman who knew just where to look for dirt. She was a woman, she was a female personality and she belonged to New England of the northern state of USA, and she knew very well where I could find dirt. She went into the room and inspected the floor and closest. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork upon the wall. So for inspection, she went to that recitation room. She had a hanky in her hand and she rubbed hanky on every bench and table, on every furniture. Why was she doing all these things? Because of finding the dirt. And over the table and benches, when she was unable to find one bit of dirt of the floor or a particle of dust on any of the furniture, when the head teacher was unable to find any particle of the dirt on the furniture, she quietly remarked. Quietly remarked means, she silently remarked, I guess you will do to enter this institution. I'm sure that you can get admission in that college. Student, the last paragraph, that is the important for explanation, very important paragraph is this. I was one of the happiest souls on earth. Happiest souls on the earth. The superlative degree is used here, the happiest, this is the superlative degree. So, the writer is saying here, the writer is explaining here that there were many happy people all over the world. Many happy people are there. Many people are happy. But I am the happiest person on this earth. I am one of them. The sweeping of that room was my college examination. Which type of the examination he has given? He has given different types of the examination, a peculiar type of the examination, and he swept in a recitation room, and that was the deferred examination. I have passed several examinations since then. He's explaining further that since then, since that time, I have passed different type of the examination. How is it possible? Because the writer got the admission in that college. He got the admission in that college. And after getting that examination, you have to study in the class. And after studying, what you have to do? You have to give different type of the examination. So the writer is saying here that he has given different types of the examination. Several types of the examination he had attempted. But that was the best for me.
दैट वॉज द बेस्ट फॉर मी बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई हैव एवर पास्ड दिस वॉज द बेस्ट एग्जामिनेशन फॉर मी दैट आई हैव पास्ड सो स्टूडेंट दिस इज द चैप्टर फॉर यू And after completing this chapter, I just want to ask you one thing. What have you got from this chapter? What have you got from this chapter? What is the moral of this chapter? The moral of this chapter is that where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. Jahan chaah hoti hai, wahan raah hoti hai. There were many difficulties during his journey. There were many problems. His mother was broken his health. His mother was very weak. In spite of all these adverse circumstances, he determined, he resolved to get the admission in that college. So, like that, you have to struggle a lot for your education and definitely you will get your success. So, it's only for today. Thank you and have a nice day to one you all. Hello student. Good morning. आज फर्स्ट ईयर क्लास में सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों मैं आपको शब्द युग्म पढ़ाऊंगी परीक्षाओं में शब्द युग्म से संबंधित दो प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसके निर्धारित अंक दो होते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि शब्द युग्म किसे कहते हैं उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है शब्द युग्म कहलाते हैं इन्हें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं परिभाषा को आप पुनः एक बार सुन लें उच्चारण की दृष्टि से समान प्रतीत होने वाले अथवा सूक्ष्म अंतर वाले वे शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है शब्द युग्म कहलाते हैं इन्हें समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं बच्चों अब हम चर्चा करेंगे शब्द युग्मों की और उनके अर्थ की तो सबसे पहले जो शब्द युग्म दिया है वो है अन्न और अन्य अन्य माने होता है बच्चों अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा अगला शब्द युग्म है उपकार अपकार उपकार माने होता है भलाई और अपकार माने होता है बुराई अगला शब्द युग्म आता है आचार 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 माने होता है मुरब्बा और आचार माने होता है आचरण अगला शब्द युग्म आता है आयस आयश आयश आयस आयश पानी होता है बदनामी आयस पानी होता है लोहा अगला शब्द युग्म है पास पाश पास पानी होता है निकट पाश पानी होता है जाल इसे फंदा भी बोल सकते हैं अगला शब्द युग्म है पंथ पथ पंथ मानी होता है संप्रदाय और पथ मानी होता है रास्ता अगला शब्द युग्म आता है अंबुज अंबुद अंबुज मानी होता है कमल और अंबुद मानी होता है बादल अगला शब्द युग्म आता है अभय उभय अभय माने होता है निडर या इसे भय रहित भी बोल सकते हैं और उभय माने होता है दोनों अगला शब्द युग्म है सुत 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 माने होता है पुत्र सुत माने पुत्र और सूत माने सारथी सूत माने बच्चों धागा भी होता है अगला शब्द युग्म है अंश 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 माने होता है हिस्सा या भाग अंश
माने होता है कंधा। अगला शब्द युग्म है जलद, जलज। जलद माने होता है बादल, जलज माने होता है कमल। अगला शब्द युग्म है अनल, अनिल। अनल माने होता है आग और अनिल माने होता है वायु। बच्चों मैं इसे रिपीट कर रही हूं, दोहरा रही हूं। पहला शब्द युग्म दिया है अन्न, अन्य। अन्न माने होता है अनाज और अन्य माने होता है दूसरा। दूसरा शब्द युग्म है उपकार, अपकार। उपकार माने भलाई, अपकार माने होता है बुराई। अगला शब्द युग्म है अचार, आचार। अचार का मतलब होता है मुरब्बा, आचार का मतलब होता है आचरण। अगला शब्द युग्म है आयश, आयस। आयश माने होता है बदनामी, आयस माने होता है लोहा। अगला शब्द युग्म है पास, पाश। पास माने होता है निकट और पाश माने होता है जाल या फंदा। अगला शब्द युग्म आता है पंथ, पथ। पथ माने होता है संप्रदाय और पथ माने होता है रास्ता। जो अगला शब्द युग्म है वो है अंबुज, अंबुद। अंबुज माने होता है कमल, अंबुद माने होता है बादल। अगले शब्द युग्म पर आते हैं अभय, उभय। अभय माने निडर या भय रहित भी बोलते हैं, उभय माने दोनों। फिर है सुत, सूत। सुत माने पुत्र या बेटा भी कह सकते हैं। सूत माने सारथी और एक अर्थ इसका और होता है धागा। अगला शब्द युग्म है अंश, अंश। अंश माने होता है हिस्सा या भाग, अंश माने होता है कंधा। अगला शब्द युग्म है जलद, जलज। जलद माने होता है बादल और जलज माने होता है कमल। अगला शब्द युग्म है अनल, अनिल। अनल माने होता है आग, अनिल माने होता है वायु। बच्चों ये जो शब्द युग्म मैंने अभी लिखे हैं इनको आपको अपनी CW लैंग्वेज कॉपी पर लिखनी है। नेक्स्ट जो शब्द युग्म है वो इस प्रकार है ग्रह और गृह। ग्रह माने होता है बच्चों नक्षत्र और गृह माने होता है घर। इसी प्रकार अगला शब्द युग्म है आय, आय। आय माने होता है आमदनी और आयु माने होता है उम्र। अगला शब्द युग्म है अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा माने तुलना या आशा करना भी इसको कह सकते हैं। उपेक्षा माने होता है निरादर। अगला शब्द युग्म आता है श्रवण, श्रमण। श्रवण माने होता है काम और श्रमण माने होता है भिक्षु। आते हैं अगले शब्द युग्म अविराम, अविराम। अविराम माने होता है निरंतर या इसे सतत भी बोल सकते हैं और अभिराम माने होता है सुंदर। अगला शब्द युग्म है बात, वाद। बात माने होता है वार्तालाप या इसे बातचीत भी लिख सकते हैं और वात माने होता है वायु। अगला शब्द युग्म है द्रव, द्रव्य। द्रव माने होता है बच्चों तरल पदार्थ और द्रव्य माने होता है धन। इसके साथ ही अगला शब्द युग्म आता है आपका स्वर्ण, सवर्ण। स्वर्ण माने होता है सोना और सवर्ण माने होता है उच्च जाति। अगला शब्द युग्म है लक्ष्य, लक्ष्य। लक्ष्य, लक्ष्य माने होता है लाभ और लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। अगले शब्द युग्म पर आते हैं तरणी, तरुणी, तरण। बच्चों बहुत थोड़ा ही अंतर है। तरणी माने होता है नाव, नाव या नौका भी कह सकते हैं।
तरुणी माने होता है युवती और तरण माने होता है सूर्य। अगला शब्द युग्म आता है सकल शकल। सकल माने होता है संपूर्ण और शकल माने होता है खंड। अगला जो शब्द युग्म है नीर नीर। नीर माने होता है जल या पानी और नीर माने होता है घोंसला। अगला शब्द युग्म है प्रणय परिणय। प्रणय माने होता है प्रेम, परिणय माने होता है विवाह। बच्चों इन शब्द युग्मों को मैं पुनः एक बार दोहरा रही हूं। ग्रह माने होता है नक्षत्र, गृह माने घर, आय माने होता है आमदनी और आयु माने होता है उम्र। अपेक्षा, अपेक्षा के दो अर्थ निकलते हैं, तुलना या कह सकते हैं आशा करना। उपेक्षा माने होता है निरादर। फिर आता है शब्द युग्म श्रवण श्रमण। श्रवण माने होता है कान और श्रमण माने होता है भिक्षु। अगला शब्द युग्म है अविराम अभिराम। अविराम माने होता है निरंतर या सतत भी कह सकते हैं। अभिराम माने होता है सुंदर। अगला शब्द युग्म है बात वात। बात माने होता है वार्तालाप या इसे बातचीत भी लिख सकते हैं आप। वात माने होता है वायु। अगला शब्द युग्म है द्रव द्रव्य। द्रव माने होता है तरल पदार्थ, द्रव्य माने होता है धन। अगला शब्द युग्म है स्वर्ण सवर्ण। स्वर्ण माने होता है सोना और सवर्ण माने होता है उच्च जाति, इसे कुलीन भी आप लिख सकते हैं। अगला शब्द युग्म है लक्ष्य लक्ष्य। लक्ष्य माने होता है लाभ और लक्ष्य माने होता है उद्देश्य। अगला शब्द युग्म है तरणी तरुणी तरण। तरणी माने होता है नाव या नौका, तरुणी माने होता है युवती और तरणी माने होता है सूर्य। अगला शब्द युग्म है सकल शकल। सकल माने होता है संपूर्ण, शकल माने होता है खंड। जो अगला शब्द युग्म है वो है नीर नीर। नीर माने होता है जल, नीर माने होता है घोंसला। फिर अगले शब्द युग्म पर आते हैं प्रणय परिणय। प्रणय माने होता है प्रेम और परिणय माने होता है विवाह। बच्चों ये जितने भी शब्द युग्म मैं आपको करा रही हूं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप भली भांति प्रकार से अच्छी राइटिंग में जो है अपनी CW लैंग्वेज की कॉपी पे इसे सुव्यवस्थित तरीके से कर लेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में जारी रखूंगी। तब तक के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।